सिर्फ लाइट रूम एप्लीकेशन से आप कुछ इस प्रकार का ऑयल पेंट फेस स्मूथ बोके इफेक्ट एडिटिंग कर सकते हो बिल्कुल 100 परसेंट ट्रिक वर्क करेगी आपके फोटो में बस आपको इस वीडियो को पूरा देखना होगा अगर आपका फोटो ऐसा एडिट नहीं होता है तो आप चैनल को अनसब्सक्राइब करके भी जा सकते हो पर वीडियो को आपको एक बार पूरा देखना है मैं अच्छे तरीके से आपको समझाऊंगा सिर्फ लाइट एप्लीकेशन से आप ऐसा फोटो एडिट कैसे कर सकते हो लाइट एप्लीकेशन में अपना नॉर्मल सा फोटो आपको एड कर लेना है अब आपको यहां से एडिट पे जाके लाइट को आपको हल्का सा इंक्रीज कर लेना है अब आपको यहां पर कॉन्ट्रास्ट को चार परसेंट रख लेना है हाईलाइट को आपको यहां पर माइनस कर लेना है कुछ पच्चीस परसेंट एंड यहां पर आपको शेडो मिल जाएगा इसको पंद्रह परसेंट रख लेना है वाइट्स को आपको यहां पर माइनस कर लेना हल्का सा आप अपने हिसाब से भी देख सकते हो आपको कितना रखना है क्योंकि सबका फोटो अलग अलग लाइटिंग पे फोटो क्लिक होता है इसके वजह से आप ब्लैक्स को इक्कीस परसेंट रख लेना है और यह चीज आपको अपने फोटो में लाइटिंग को करने के बाद यहां पर आपको एक कलर का ऑप्शन मिल जाएगा आपको यहाँ पे कलर वाले ऑप्शन पे चले जाना है ऊपर मिक्स टूल पे जाना है यहाँ से ऑरेंज कलर का जो है सेचुरेशन कम कर देंगे और यहाँ पर जो लूमिनस है उसको आपको यहाँ पर प्लस में रख लेना है तो अब आप देख सकते हो आपका फोटो सिर्फ लाइट रूम एप्लीकेशन से यहाँ पर गोरा हो चुका है अब आपको येलो पे जाना है येलो का आपको यू और सेचुरेशन सौ परसेंट माइनस कर देना है सेम आपको यहाँ पे ग्रीन का भी कर देना है अब आपको लास्ट के जो चार कलर मिल रहे हैं इन चारों का आपको सेचुरेशन सो परसेंट माइनस कर देना है बहुत भाई आपको सिखाते हैं अलग अलग एप्लीकेशन से जैसे पिक्सार्ट वगैरह स्नैपशीट से मैं सिर्फ आपको इसमें लाइट रूम से सिखाऊंगा और किसी ऐप का यूज नहीं करूंगा इसलिए वीडियो को आपको पूरा देखना है यहां पर मैंने देख सकते हो सारे कलर ऑफ कर दिए हैं अब आपको यहां से डन कर लेना है बलर वाले ऑप्शन पे जाएंगे यहां से हम बैकग्राउंड को भी बलर कर लेंगे अगर आपका ये बैकग्राउंड वाला वर्क नहीं करता है तो मैं आपको टेलीग्राम पे ये लाइट रूम दे दूंगा आप जाके वहां से डाउनलोड कर लेना अपडेट कर लेना तो आपका बैकग्राउंड ये बलर वाला वर्क करने लगेगा यहाँ पर हमने इसको बलर कर लिया अब आपको यहाँ से राइट पे क्लिक कर देना है अब आपको क्या करना है यहाँ पे इफेक्ट पे चले जाना है यहाँ पर आपको फेस स्मूथ करने के लिए टेक्चर को हल्का सा माइनस कर लेना है जिससे आपका फेस बिल्कुल अच्छे तरीके से स्मूथ हो जाएगा आपको ऑटोडेक्स स्केचबुक एप्लीकेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी क्लैरिटी को दस एंडीज को आपको यहाँ पर दस परसेंट रख देना है अब आपको विजनेट पे जाना है विजनेट को भी आपको यहाँ से माइनस कर लेना है जैसे कि यहाँ पर मैंने थर्टी थ्री परसेंट रख दिया है यहाँ पर मिड पॉइंट को आपको हल्का सा बढ़ा लेना है और फेदर को भी आपको हल्का सा बढ़ा लेना है तो अब आप देख सकते हो फोटो यहाँ पर बिल्कुल अच्छे तरीके से फेस स्मूथ यहाँ पर फोटो गोरा भी हो चुका है मास्किंग पे जाएंगे प्लस आइकन पे जाएंगे ऊपर आपको एक सिलेक्ट सब्जेक्ट का ऑप्शन मिल जाएगा उस पर आपको क्लिक कर देना है क्लिक करने बाद आपको थोड़ा वेट करना है आप देख सकते हो तो आपको यहाँ पर पर्सन सिलेक्ट हो जाएगा आपको यहाँ से इनवर्ट कर देना है ये आपको बैकग्राउंड को सिलेक्ट कर लेगा लाइट पे आपको जाना है हल्का आपको एक्सपोर्स को माइनस कर लेना है जैसे ही आप एक्सपोर्ट्स को इसके माइनस करोगे आपका सिर्फ जो बैकग्राउंड है वो डार्क इफेक्ट में हो जाएगा अब आपको इफेक्ट पे जाके इसका टेक्सचर क्लैरिटी और डीज को भी आपको हल्का सा बढ़ा लेना आप अपने हिसाब से देख लेना आपको बैकग्राउंड को कितना डार्क रखना है तो मैं नॉर्मली इतना डार्क रख लेता हूँ आप देख सकते हो अब आपको जाना एक्शन वाले ऑप्शन पे अगर आपके में एक्शन बटन नहीं है लाइट रूम में तो आप लाइट रूम को अपडेट जाके करो जब आपका वर्क करेगा ठीक है यहां से एक्शन बटन पे जाके यहां से आपको एक रिटच वाला ऑप्शन मिलेगा इस पर आपको यहां से क्लिक कर देना है अब आपको यहां पर थोड़ा सा वेट कर लेना है तो यहां पर जो ये रिटच वाले ऑप्शन के अंदर बहुत सारे आपको ऑप्शन मिल जाएंगे आपको क्या करना होगा यहाँ पर रिटच में फेस का भी आ जाएगा कलर का भी आ जाएगा आपको हेयर का भी आ जाएगा आपको जो पसंद हो वो आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है तो पहले हम इसका फेस स्मूथ करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हो हमारे पास चार तीन ऑप्शन आ गए हैं पहले हम जाएंगे क्लोथिंग पे एंड यहाँ पर जो क्लोथिंग इसका सौ माइनस कर देंगे अब आपको यहाँ पर मिल जाएगा हेयर वाला हेयर को हल्का सा और बढ़ा लेंगे जिससे हमारे हेयर डार्क इफेक्ट में थोड़ा सा हो जाएंगे इसके बाद आपको यहाँ पर स्किन मिल जाएगा स्किन को यहाँ पर आपको 100% रख लेना है जिससे आपका फेस स्मूथ बिल्कुल अच्छे तरीके से हो जाएगा यहाँ पर हम इसको कर लेंगे डन फेस स्मूथ हमारा हो चुका है देख सकते हो बिल्कुल परफेक्ट जूम करके आपको फोटो दिखा देता हूँ जो आपको थंबनेल पे दिखाया वही आपको सिखाऊंगा अब आपको यहाँ से शेयर वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है एंड यहाँ से आपको दोबारा से शेयर पर क्लिक कर देना है सिर्फ आपको अपने इसमें पिक्सार्ट एप्लीकेशन में चले जाना है पिक्सार्ट एप्लीकेशन प्ले स्टोर से या टेलीग्राम से कहीं से भी डाउनलोड कर सकते हो सिर्फ आपको बोके इफेक्ट पीएनजी ऐड करनी है क्योंकि हम अपने बैकग्राउंड का जो भी है ऐड पीएनजी नहीं कर सकते लाइट रूम से वो सिर्फ पिक्सार्ट से ही हो सकता है तो यहां से हम बोके इफेक्ट की जो भी हमारे पास पीएन है उसको हम ऐड कर लेंगे अगर आपके पास बोके इफेक्ट पीएन नहीं है तो मेरे व्हाट्सअप चैनल पर जाकर डाउनलोड आप कर सकते हो वहां पर आपको मिल जाएगा यहां पर इसको साइज को फुल कर लेंगे हम एंड अब आपको यहाँ से चले जाना ब्लेंड ब्लैंड वाले ऑप्शन पे और ब्लैंड ऑप्शन पे जाके आपको स्क्रीन या एड आप कोई सा एक रख लेना है इसमें से इरेज वाले आइकन पे आपको क्लिक कर देना है हार्डनेस हंड्रेड साइज अपने हिसाब से देख लेना जितना भी बोके इफेक्ट आपके कपड़ों पे हैंड पे आ रहा है सिर्फ आपको उसको इरेज कर देना है तो देख सकते हो सिर्फ लाइट रूम से से आपको ये फोटो एडिटिंग करना सिखा दिया मैंने लाइट रूम ऑयल करेगी ये लाइट रूम से करा मैंने बस आपको बोके इफेक्ट ऐड करने के लिए पिक्सार्ट यूज करना पड़ेगा और आपको सब चीज लाइट रूम के अंदर ही हो जाएगा यहाँ से हम कर लेंगे डन बिफोर एंड आफ्टर फोटो आपका यहाँ तैयार है फोटो को अगर आप एच वगैरह करना चाहते हो तो आप चले जा सकते हो उस पर क्या कहते हैं टूल वाला ए आई ए आई इनास मिल जाएगा या आप रेमनी से भी कर सकते हो यहाँ पर हम जाएंगे रिटच में हमारे यहाँ पर हेयर वाले ऑप्शन पे जाएंगे और यहाँ से हम हेयर को भी थोड़ा सा डार्क कर लेंगे ये ऑरेंज इफेक्ट में थोड़ा सा हेयर यहाँ ब्राउन आ रहा है तो हम इसको अमाउंट को इतना रखेंगे और देख सकते हो यहाँ पर हमारे हेयर भी डार्क हो जाएंगे डन कर लेना हमारे यहाँ पर फोटो तैयार है वीडियो अच्छे लगे वीडियो को लाइक करना है चैनल पर नया है सब्सक्राइब कर देना बेल आइकन को आपको ऑल पर जरूर कर देना और जितना हो सके इस वीडियो को आपको शेयर करना है अगर आपको यह ट्रिक नहीं पता थी तो वीडियो को लाइक जरूर करना